पश्चिमी मीडिया के मुताबिक गैस संकट की वजह से यूरोप में प्रदूषण का स्तर बेहद नीचे चला गया। बताया गया कि प्रदूषण का स्तर इतना कम हो गया कि जितना कोरोना महामारी के दौरान लगाए लॉकडाउन में भी नहीं हुआ था, क्योंकि रूस से गैस की सप्लाई ठप होने से यूरोप के कई देशों में कारखाने और दूसरे उद्योग धंधे ठप पड़ गए। पश्चिमी मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक अप्रैल 2023 तक यानी इस साल के शुरुआती चार महीनों में करीब 40 करोड़ मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा हुई, जो 2020 के शुरुआती चार महीनों से करीब 13% कम है। मतलब ये कि भले ही यूरोप के कई देश इस वक्त गैस संकट से जूझ रहे हों, लेकिन उनके वहां हवा साफ हो गई। असल में यूक्रेन युद्ध के कारण रूस से यूरोप के कई देशों में होने वाली गैस की सप्लाई पुतिन ने रोक दी, क्योंकि यूरोप के ज्यादातर देश युद्ध में अमेरिका की अगुवाई में यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। इधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस ने पश्चिमी देशों पर बड़ा हमला किया और आरोप लगाया कि पश्चिमी देश लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रकम को रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। यूक्रेन में एक साल से ज्यादा समय से युद्ध हो रहा है और पश्चिमी देशों से लगातार उसे हथियार मिल रहे हैं, जिनके दम पर यूक्रेन रूस की भारी भरकम सेना के सामने खड़ा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस ने यही मुद्दा उठाया। उसने दावा किया कि नेटो ने पिछले एक साल में यूक्रेन में 7 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 560 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और आने वाले समय में ये खर्च और बढ़ेगा, जबकि फूड सिक्योरिटी के लिए 2021 से 2023 के बीच दुनिया भर में 18 बिलियन डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। रूस ने ये डेटा पेश करते हुए अमेरिका और नेटो पर मनमानी करने का आरोप लगाया। В основе этого лежит очевидное стремление и далее диктовать всем свою волю и свои так называемые правила. रूस ने दलील दी कि पश्चिमी देश किसी भी कीमत पर रूस को नीचा दिखाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने वो पैसा भी खर्च कर डाला जो लोगों की भलाई और उनकी भूख मिटाने के लिए था। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन की फौज यूक्रेन जंग में आवारा कुत्तों को उतारने पर विचार कर रही है, ताकि उनकी मदद से यूक्रेन के जवानों को नुकसान पहुंचाया जा सके। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूसी सेना खूंखार आवारा कुत्तों को ट्रेनिंग देने पर विचार कर रही है, ऐसे कुत्ते जो यूक्रेन के सैनिकों को देखते ही उन पर टूट पड़े। इतना ही नहीं, बताया गया कि रूसी सेना बारूदी सुरंगों को ढूंढने के लिए कुत्तों की भी मदद ले सकती है। असल में यूक्रेन जंग की शुरुआत से अब तक रूसी फौज को काफी नुकसान उठाना पड़ा। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 2 लाख से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए अब पुतिन की फौज आवारा कुत्तों को जंग के मैदान में उतारने पर विचार कर रही है। इस बीच ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि वहां के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को गालियां दी थी। ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने यह दावा जॉनसन के करीबी अधिकारी के बयान के आधार पर किया और जानकारी दी कि यह घटना तब हुई थी जब यूक्रेन जंग शुरू हुए कुछ ही वक्त बीता था, और इसी दौरान ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पर भड़क गए थे, क्योंकि फ्रांस ने ब्रिटेन की आलोचना की थी और आरोप लगाया था कि यूक्रेन से भागकर ब्रिटेन आने वाले शरणार्थियों से बुरा सलूक किया गया। मैक्रों का यही बयान सुनकर जॉनसन का पारा चढ़ गया। ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने दावा किया कि गुस्से से लाल बोरिस जॉनसन ने मैक्रों को गालियां तक दे दी थी और इस बारे में अखबार को जॉनसन के एक करीबी अधिकारी ने बताया। हालांकि बाद में खबर आई कि दोनों नेताओं के बीच सुलह हो चुकी है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन बीच में आया और उसने पहले बोरिस जॉनसन और जेलेंस्की के बीच मामला सुलझाया और फिर बोरिस जॉनसन और मैक्रों की सुलह करवाई।